नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द गोल में। हम चल रहे हैं आपको लेके 1000 साइंस क्वेश्चन रैपिड टेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए फटाफट पेन पेपर लेकर और कमेंट बॉक्स में भी आंसर दीजिए। तो शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहाँ पर क्रिया ये होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लोहक में, केंद्रक में? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। सही आंसर होगा इसका मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ऑप्शन फटाफट मैच कर लीजिए। फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, प्रकाशीय केंद्र पर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है? ऑप्शन फटाफट मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.5 मीटर। या दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है, फटाफट बताएं? ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 24। यहाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? या दोस्तों, ऑप्शन मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 10। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, अल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं? या दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा आपका अल्डिहाइड, CHO अल्डिहाइड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए I²R, ऑप्शन नंबर बी IR², ऑप्शन नंबर सी VI, ऑप्शन नंबर डी V²R। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, I²। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जनित, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एमीटर, ऑप्शन नंबर डी मोटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान
कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए कम होता है, ऑप्शन नंबर बी स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाने से लघु पतन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी गोबर, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कोयला। जी हाँ दोस्तों, आंसर फटाफट दीजिए। ऑप्शन नंबर बी गोबर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सी ए, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी एस आई, ऑप्शन नंबर डी एफ ई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंध हैं। ऑप्शन नंबर ए 6 सहसंयोजक बंध, ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोजक बंध, ऑप्शन नंबर डी 8 सहसंयोजक बंध, ऑप्शन नंबर डी 9 सहसंयोजक बंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। मनुष्य के ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए पोषण से, ऑप्शन नंबर बी श्वसन से, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर डी परिवहन से। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए द्रुमिका, ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स, ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन, ऑप्शन नंबर डी आवेग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पराग कोष में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाह्य दल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडप, ऑप्शन नंबर डी परागकण। फटाफट आंसर दीजिए। जी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ऑप्शन नंबर ए चीन के विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर सी मकड़ी, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन के विद्यार्थी। या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर अमीबा, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी लेशमानिया। जी हाँ दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसमें से किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी तरह की टेस्ट देने के लिए और अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए साइंस टेक रैपिड टेस्ट चल रहा है, तो हमारे चैनल लेट्स क्रैक द गोल्स को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए स्पेशली जुड़ जाएं, क्योंकि हम बिहार दरोगा का स्पेशली तैयारी करा रहे हैं। और जो लोग भी
जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहें। सारे कंपटीशन के लिए ये साइंस का क्वेश्चन है। धन्यवाद।